पुलिस लगातार हुक्का पार्लर पर छापेमारी कर रही है। सोमवार की रात क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 ने चोरी छिपे धर्मपेट में चल रहे रूप 9 नामक हुक्का पार्लर पर कार्रवाई की है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के संचालक लकी जायसवाल और समीर शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार धर्मपेट रूप 9 रेस्टोरेंट में हुक्का पार्लर चल रहा था। खबर के आधार पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस को देखते ही ग्राहक और संचालक फरार हो गए। टेबल पर पकड़े हुए हुक्के के पॉट सहित लेवर, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, टेबल और कुर्सी सहित 1,33,000 रुपयों का माल जब्त किया गया है। DIG सुनील फुलारी, DCP गजानन राजमा ने और ACP सुधीर नंदन के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच SSB पथकान PI तृप्ति सोनोन यांनी एक धरमपेठ हद्दीमध्ये एक हुक्का पार्लर सुरू होतं रूप 9 नावाचं, त्याच्यावर रेड केलेलं आहे। 6 आरोपींच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे कायद्यान्वये। गोपनीय माहिती मिळालेली होती। कोरोना काळामध्ये बऱ्याच क्राईम ब्रँचनं रेड केलेल्या आहेत, करत आहोत आणि कडक कारवाई करत आहोत। या कारवाईवर पण आमचा गोपनीय माहिती मिळाला होती, त्याच्यावर आपण कारवाई केली। अशा प्रकारचं लॉकडाऊनच्या काळामध्ये कुठले अशा अवैधला प्रोत्साहन अशी लोकं देत असतील तर याच्यावर आम्ही कडक कारवाई करत आहोत। बाकी डिटेल पण आपण त्यामध्ये घेत आहोत। पुढची कायदेशीर कारवाई आपण करत आहोत। 6 लोकांच्यावर कारवाई केलेली आहे टोटल याच्यामध्ये। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज, नागपूर।